नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं आधार नंबर से अपने बैंक अकाउंट नंबर कैसे जोड़ें, घर बैठे ही कैसे जोड़ें। आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर निकाला गया है उससे कह रहे हैं कि आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट नंबर इसी साल 31 दिसंबर 2017 के तहत करना चाहिए, कर देना चाहिए। अगर आप ना करें तो उसके बाद आपकी तकलीफ होगी। तो आप क्यों तकलीफ उठाए जब आप घर बैठे ही आपके आधार नंबर से बैंक अकाउंट नंबर जो SBI नंबर है वो आप जोड़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे वो जोड़े। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आधार सीडिंग और जो आधार नंबर बैंक अकाउंट का जोड़ने का प्रोसेस है उसको कहते हैं आधार सीडिंग। जो आधार सीडिंग कैन बी लिंक्ड इन योर एग्जिस्टिंग अकाउंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिंपल एंड इजी वे। ये जो SBI का वेबसाइट है यहाँ पर दिया गया है कि आप घर बैठे ही कैसे आपका आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट नंबर से जोड़ सकते हैं। जो पहला जो तरीका है वो आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट नंबर से जोड़ने के लिए वो है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। जिस लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग है, जो लोग ये फैसिलिटी उठाते हैं वो ये कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपका जो लॉगिन पासवर्ड है इंटरनेट बैंकिंग का उसमें जाइए और www.onlinesbi.com इसमें जाकर आप जो इंटरनेट बैंकिंग का साइट है इसमें घुसकर आप देखिए जो बाहर तरफ होगा उसमें माई अकाउंट है। माई अकाउंट के तहत आपको जो लिंक मिलेगा, लिंक योर आधार नंबर, उसमें क्लिक कीजिए। आपका डिटेल्स डालिए, आपका आधार नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए, आपका लिंक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। पर यह बात है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं। वो लोग कैसे करेगा? आप घर बैठे ही कर सकते हैं। और आप जो वो घर बैठे करने के लिए हम जो दूसरा तरीका है वो है SMS के द्वारा। बहुत ही सिंपल है। If your mobile number is registered with employment with the bank, then you can send the SMS to 567676. This is the number. इस नंबर पर आप इस तहत UDI स्पेस आपका आधार नंबर स्पेस आपका बैंक अकाउंट नंबर भेज सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ₹3 लगता है ये SMS भेजने के लिए। आप घर बैठे ही ये कर सकते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका बैंक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो इफ द मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड और इन केस द आधार इज ऑलरेडी लिंक्ड टू अकाउंट एंड SMS रिप्लाई विल बी सेंड टू यू। आपका मोबाइल नंबर अगर आपका बैंक अकाउंट से जुड़े नहीं है तो एक SMS मिलेगा ये आपका बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर जुड़े नहीं है और आपका ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, आपका एक SMS मिलेगा। इफ योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट बैंक यू विल रिसीव एन SMS कंफर्मिंग ऑफ द सीडिंग रिक्वेस्ट। आपका मोबाइल नंबर अगर आपका बैंक अकाउंट से जुड़े है तो आपका कॉन्फर्मेशन एक SMS मिलेगा जहां आपका आधार नंबर आपका मोबाइल से जुड़े गए हैं। आपका कोई तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। द आधार नंबर विल बी वेरीफाइड बाय द बैंक विद UIDAI जो आधार का अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो अथॉरिटी है वो आपको वेरीफाई होगा। In case it fails verification, SMS will be sent to customer to contact any SBI branch along with Aadhar number or e-Aadhar. आपका जो verification fail होगा तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा।
और जो तरीका है वो जो है आपको एटीएम में जाके भी आप कर सकते हैं, आप एटीएम कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, उसमें जो सर्विस रजिस्ट्रेशन है उसमें जाके आपको जो डिटेल है उस डाल के, आपका आधार नंबर डाल के आप वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप एक बार एटीएम में जाना पड़ेगा। और जो है आप आपका जो बैंक ब्रांच है उसमें भी जाके आप ये रजिस्ट्रेशन का जो लिंकिंग है वो कर सकते हैं। फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप के बाद आप ये रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं, एक बार आपको बैंक में जाना पड़ेगा। तो यही है आज के लिए बंधुओं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इससे भी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।